हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मैं प्रोफेसर कुणाल शाह ऑन बिहाफ ऑफ जेके शाह क्लासेस आप लोगों का स्वागत करता हूँ टूअर्ड्स द रिविजनरी लेक्चर्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 यस माय डियर फ्रेंड्स हमने अभी तक टोटल एट चैप्टर्स को रिवाइज कर दिया है इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड अंडरस्टूड एंड वी हैड रिवाइज्ड द प्रोविजंस ऑफ अ टॉपिक कॉल्ड एज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड जिसमें हमने सेक्शन नंबर 123 से लेकर सेक्शन नंबर 127 तक के प्रोविजंस को कवर किया था यस माय डियर फ्रेंड्स नाउ इन दिस वीडियो शाल बी रिवाइजिंग द न्यू चैप्टर दैप्टर नंबर नाइन अकाउंट ऑफ कंपनी लेकर सेक्शन नंबर वन थर्टी एट तक यस सेक्शन नंबर वन ट्वेंटी एट से लेकर सेक्शन नंबर वन थर्टी एट तक इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हुए हैं उन सारे के सारे रिसेंट अमेंडमेंट्स को हम कवर करने वाले हैं इन अवर रिविजन लेक्चर इन अवर रिविजन लेक्चर सो यस माय डियर फ्रेंड्स लेट अस बिगिन अवर जर्नी फॉर द प्रोविजन ऑफ द वेरी फर्स्ट सेक्शन दैट नंबर वन ट्वेंटी एट

को बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर साल बनाना है मतलब हर साल बनाना है यस माय डियर फ्रेंड्स एवरी कंपनी एवरी ईयर एवरी कंपनी एवरी ईयर शाल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलोंग विद अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड यस इवन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर लॉ मेकर बोलता है कि ये जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी यहां पर प्रिपेयर करता है दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल शोकेस ट्रू एंड फेयर व्यू अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस ओवर ईयर इस प्रोविजन के अंदर वी आर गोइंग टू रिवाइज ओनली एंड ओनली अबाउट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जिक्र जरूर किया गया है बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम रिवाइज करेंगे अंडर सेक्शन नंबर 129। अच्छा लॉ मेकर बोलता है कि जो भी कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करता है दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस एंड इट शुड बी अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग

तो फिर हमें यहाँ पर अलग से रूल नंबर थ्री को फॉलो करना पड़ेगा विच इज गिवन अंडर कंपनी अकाउंटिंग रूल्स 2014। अब ये रूल थ्री क्या है उसके बारे में मैं आपको रिविजन करवाऊंगा विद इन नेक्स्ट टू टू थ्री मिनट्स बट उसके पहले हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं

जो भी हिसाब किताब कंपनी द मनी रिसीव्ड एंड मनी एक्सपेंडेड तो उस किताब को हम और कोई किताब नहीं बट उस किताब को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल सकते हैं लॉ मेकर बोलता है कि कंपनी ने जिस किताब में सेल्स एंड परचेजेस के डिटेल्स को लिखा रहेगा वो किताब और कोई किताब नहीं बट एक प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट्स माना जाता है जिस कागज के पन्नों में हमने हमारे कंपनी के एंड के बारे में जिक्र किया है वो कागज़ का पन्ना पन्ना नहीं है जी हाँ वो भी एक प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है यदि हमारा कंपनी सेक्शन नंबर 148 के हिसाब से प्रिस्क्राइब किया गया है तो फिर हमारे कंपनी ने अलग से तो फिर हमारे कंपनी ने अलग से एक कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखा रहेगा इवन दोस कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर टू बी कंसीडर्ड एस बुक्स ऑफ अकाउंट्स नेक्स्ट वर्ड आता है बुक्स एंड पेपर्स बुक्स एंड पेपर वाले वर्ड को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर टू क्लॉज ट्वेल्व सेक्शन नंबर टू क्लॉज ट्वेल्व बुक्स एंड पेपर का डेफिनेशन भी इनक्लूसिव इन नेचर वाला है जब मैं बोलू बुक्स एंड पेपर तो ये yes, वो इंक्लूड करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो हमने ऑलरेडी सेक्शन टू क्लॉस थर्टीन में समझ लिया है इट ऑल्सो इंक्लूड वाउचर्स राइटिंग डॉक्यूमेंट्स मिनिट्स वेरियस रजिस्टर्स बाय द कंपनी इन अ पेपर फॉर्म और इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन अ पेपर फॉर्म

बट अगर बाई चांस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि वो लोग ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कोई दूसरे जगह पे रखना चाहते हैं तो एनी अदर प्लेस इन इंडिया भी अलाउ किया जाएगा बट उस जगह का कंप्लीट डिटेल्स उस जगह का कंप्लीट डिटेल्स पहले हमें आर के पास देना पड़ेगा विद इन सेवन डेज फ्रॉम द डे वन सच डिसीजन बोलेगा तो विद इन सेवन डेज फ्रॉम पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन सर क्या हमारा कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकता है क्या अरे रखो ना भैया हमको क्या का हमको प्रॉब्लम है बट जब भी तुम्हारा कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बुक्स एंड पेपर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेगा तो फिर तुम्हारा कंपनी अलग से रूल थ्री जरूर फॉलो करेगा रूल थ्री बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी ने जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा है इट शुड रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस इनफैक्ट जो भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है वो इंफॉर्मेशन को हमें रिटेन करना है कंप्लीटली इन द सेम फॉर्मेट एज इट वॉज बीन ओरिजिनली जनरेटेड जिस प्रकार का इंफॉर्मेशन जनरेट हुआ था उसमें बिना कोई प्रकार का ऑल्ट्रेशन किए उसमें बिना कोई प्रकार का ऑल्ट्रेशन किए हमें उस पूरे के पूरे डिटेल्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना है लॉ मेकर बोलता है कि ब्रांच में से जो भी ब्रांच में से जो भी इंफॉर्मेशन हमने प्राप्त किया रहेगा उसे भी हमें बिना कोई ऑल्ट्रेशन का उसे भी हमें बिना कोई ऑल्ट्रेशन का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिटेन करना है लॉ मेकर बोलता है लॉ मेकर बोलता है कि बॉस फ्रॉम और ऑन आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2021। जो भी कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है तो वो कंपनी को अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में याद रखना पड़ेगा टू एड अ फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रेल्स टू रिकॉर्ड द फीचर्स ऑफ फीचर आपको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रखना पड़ेगा ओवर ईयर ओवर ईयर इसमें अगर कोई भी प्रकार का एडिटिंग भी होएगा तो वो एडिटिंग भी ट्रेस हो जाना चाहिए वो एडिटिंग भी ट्रेस हो जाना चाहिए यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि ऑडिट ट्रायल कैन नॉट बी केप्ट एस डिसेबल्ड इट शुड बी ऑन एन एनेबल्ड मोड इट शुड बी ऑन एन एनेबल्ड मोड जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी बुक्स एंड पेपर हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा है वो एक लेजिबल फॉर्म में होना चाहिए बोलेगा तो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हमने जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेनेंस रखा रहेगा उसका हमें टाइमली बैकअप लेना पड़ेगा अपॉन द सर्वर्स विच आर फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया एंड ये बैकअप हमें लेना पड़ेगा ऑन पीरियोडिक बेसिस इनफैक्ट हमें यहाँ पर आर को इंटीमेट भी करना पड़ेगा अबाउट द वेरियस थिंग्स अबाउट द सर्विस प्रोवाइडर दैट इज़ द नेम ऑफ़ द सर्विस प्रोवाइडर द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस द लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर एट्सेट्रा ये सब चीज़ का जानकारी हमें आर के पास जमा करना पड़ेगा ऑन एन्युअल बेसिस ऑन एन्यूअल बेसिस सेक्शन नंबर 128 का जो नेक्स्ट प्रोविजन आता है बोलता है अबाउट ब्रांच अकाउंट्स तो लॉ मेकर बोलता है कि ब्रांच का अकाउंट्स हमें ब्रांच में ही मेंटेन करना है बट आफ्टर एवरी पीरियोडिक्स इंटरवल हमें एक समराइज रिटर्न हमें एक समराइज रिटर्न यहाँ पर हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस पे भिजवाना पड़ेगा आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस या तो एनी अदर प्लेस वेर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी

अगर डायरेक्टर स्वयं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक करना चाहता है तो वो स्वयं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक कर सकता है एंड वो भी कर सकता है तो लॉ मेकर बोलता है अगर मैं इस फाइनेंशियल की बात करूं तो इसके पहले के आठ साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमें यहां पर उसको हमें यहां पर प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा बट सर हमारे कंपनी को तो अभी तक सिर्फ चार साल ही हुआ है इन कॉरपोरेशन को सर हमारे कंपनी को तो अभी तक सिर्फ पाँच साल ही हुआ है इन कॉरपोरेशन को तो भैया जितना साल हुआ है इन कॉरपोरेशन को उतने साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुम प्रिजर्व करके रखोगे ये जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुम प्रिजर्व करके रखोगे इट शुड भी प्रिजर्व अलॉन्ग विदलिवेंट वाउचर्स एंड एवरीथिंग शुड बी प्रिजर्व इन गुड ऑर्डर एवरीथिंग शुड बी प्रिजर्व अंडर गुड ऑर्डर लॉ मेकर बोलता है कि सेक्शन नंबर 128 को सेक्शन नंबर फुलफिल करने का जिम्मेवारी यहाँ पर या तो मैनेजिंग डायरेक्टर का है या तो होल टाइम डायरेक्टर या तो सीएफओ या तो दूसरा कोई भी पर्सन हुन इंटरेस्टेड विद्यूटी नंबर वन ट्वेंटी एट ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स जी हाँ माई डियर फ्रेंड्स अगर सेक्शन नंबर 128 ट्वेंटी एट के प्रोविजन का उल्लंघन किया तो देर इज अ पेनल्टी ये पेनल्टी चेंज हो चुकी है

सेक्शन नंबर 129 इज अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेफिनेशन को समझते हैं द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर टू क्लॉज 40 यस माय डियर फ्रेंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन भी इनक्लूसिव इन नेचर वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन भी इनक्लूसिव इन नेचर वाला है लॉ मेकर बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करता है नंबर वन बैलेंस शीट को इट आल्सो इंक्लूड नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जब भी, भी मैं बोलूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इट इंक्लूड बैलेंस शीट इट इंक्लूड्स पीएनएल अरे रुको जरा सबर करो यहां पर अगर आप एक नॉन प्रॉफिट कंपनी हो तो आप लोग पी एन एल अकाउंट तो नहीं बनाते रहोगे तो इन केस ऑफ अ नॉन प्रॉफिट कंपनी इन केस ऑफ अ नॉन प्रॉफिट कंपनी इनस्टेड ऑफ पी एन एल अकाउंट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वुल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट इट ऑल्सो इंक्लूड स्टेटमेंट शो केजिंग चेंजेस इन इक्विटी इफ एनी लॉ मेकर बोलता है कि ये चारों के चार जो स्टेटमेंट्स हमने अभी अभी पढ़े उनके साथ साथ बाकी कोई भी प्रकार का अगर हमने एक्सप्लेनेटरी नोट्स को अटैच किया है तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स दैट एक्सप्लेनेटरी नोट्स बट यदि मैं बात करूं वन पर्सन कंपनी की या तो स्मॉल कंपनी की या तो डोरमेंट कंपनी की या तो प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी की तो लॉ मेकर बोलता है कि इन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट होएगा तो भी चलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं होएगा तो भी चलेगा सबसे पहले अब हम यहां पर फाइनेंशियल ईयर के डेफिनेशन को भी रिवाइज कर लेते हैं सेक्शन नंबर टू क्लॉज फोर्टी वन सेक्शन नंबर टू क्लॉज फोर्टी वन डिफाइन अ फाइनेंशियल ईयर लॉ मेकर बोलता है कि यदि आप एक कंपनी हो या एक बॉडी कॉरपोरेट हो यदि आप एक कंपनी हो या यदि आप एक बॉडी कॉरपोरेट हो आपके लिए फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है अ ईयर विच इज एंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च एवरी ईयर इट इज अ ईयर विच इज एंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च एवरी ईयर यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि यदि आपका कंपनी ऑन और आफ्टर फर्स्ट इनकॉर्पोरेट हुआ है बट बिफोर थर्टी फर्स्ट मार्च जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ फिफ्टीन जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी को फॉर एग्जाम्पल हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है फिफ्टीन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी को तो यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि हमारे कंपनी का सबसे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी नहीं होएगा इनफैक्ट हमारा सबसे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को एंड होएगा सो so, यदि आपका कंपनी या तो आपका बॉडी कॉरपोरेट इन हुआ है ऑन और आफ्टर फर्स्ट जनवरी बट बिफोर थर्टी फर्स्ट मार्च देन इन दैट केस आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होएगा थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर जी हाँ जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स लॉ मेकर ने बोल दिया कि यदि बाय चांस आपका कंपनी कोई डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा था तो कोई बात नहीं अब आपको फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ेगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जहाँ पर ये एक प्रकार का ट्रांजिशनल पीरियड दिया गया है लॉ मेकर बोलता है मैक्सिमम दो साल के अंदर अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल आप अपने फाइनेंशियल ईयर को हमारे इस प्रोविज़न के साथ अलाइन कर देना कौन से प्रोविज़न के साथ तो सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी वन के साथ दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड कॉल्ड एस फाइनेंशियल ईयर दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड कॉल्ड एस फाइनेंशियल ईयर सर अगर फिर भी कोई कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहता है अलाउड, नॉट अलाउड बट यदि आपके पास चांस कोई होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कम हुआ है आउटसाइड इंडिया एंड वो लोग कोई डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है तो फिर आपको एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करवाने को बोला जा सकता है जस्ट एंड जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट जिसके लिए तुम्हें पहले यहाँ पर ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ेगा लॉ मेकर बोलता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने प्रिपेयर किया है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोकेस ट्रू एंड फेयर व्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड शोकेस ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ़ द कंपनी इंक्लूडिंग इट्स इट्स अदर कंपनीज इंक्लूडिंग इट्स सब्सिडरी कंपनीज और होल्डिंग कंपनीज और असोसिएट कंपनीज देखो बॉस बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच वाइज़ बनाया जा सकता है बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब मैं बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल कंपनी एज अ होल का प्रिपेयर होता है लॉ मेकर बोलता है कि जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करेगा एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगा यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा एज पर स्केड्यूल नंबर थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्केड्यूल नंबर थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जनरली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड शोकेस ट्रू एंड फेयर व्यू बट जब मैं बात करूं इंश्योरेंस कंपनी का या बैंकिंग कंपनी का या कंपनीज विच आर एंगेज इन टू जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या तो एनी अदर कंपनी विच इज़ बीन गवर्न बाय अ स्पेशल लॉ तो ये लोग जब अपना स्वयं का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो वो लोग अपने स्वयं के एक्ट को फॉलो करते हैं एंड उनके एक्ट में अगर दिया गया है कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशनस के बारे में नहीं बताना है तो अगर उन इंफॉर्मेश्स के बारे में मैटर्स को डिस्क्लोज नहीं किया तो भी चलेगा तो भी चलेगा लॉ मेकर बोलता है कि इन एवरी एन्यूअल जनरल मीटिंग लॉ मेकर बोलता है कि इन एवरी एनुअल जनरल मीटिंग हमारे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिद्धा का सिद्धा मेंबर्स के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश करेगा मतलब जरूर पेश करेगा सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी लेड बिफोर द मेंबर्स इन एवरी एन्यल जनरल मीटिंग यहां पर हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी जिक्र किया है देखो बॉस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर तब किया जाएगा जब आपके कंपनी के पास एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी होएगा तो जबी भी आपके कंपनी के पास एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी है तो फिर आपका कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो प्रिपेयर करेगा ही करेगा बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के साथ साथ उनको अलग से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करना पड़ेगा जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि देर इज अ कंपनी कोल्डेज कंपनी ए एंड कंपनी ए के नीचे देर आर थ्री सब्सिडरी कंपनीज़ There are three subsidiary companies A1, A2, A3. तो अरे ओ मिस्टर कंपनी कंपनी अरे ओ मिस्टर आपको यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो प्रिपेयर करना ही करना है जिसमें आप सिर्फ अपने कंपनी ए का जिक्र करोगे उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बट बींग होल्डिंग कंपनी आपको यहां पर अलग से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसमें आप अपने सब्सिडरी कंपनी एज वेल एज एसोसिएट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बात करोगे इट शुड बी इन द सेम फॉर्म एंड इन द सेम मैनर एज इट वॉज बीन यूटीलाइज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होता है उन सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा उन सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा लॉ मेकर बोलता है लॉ मेकर बोलता है कि बॉस कंपनी यहाँ पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपनी यहाँ पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक अलग से स्टेटमेंट अटैच करेगा जिसमें वो अपने सब्सिडरी कंपनी का सेलियन फीचर्स सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेलियन फीचर्स का बात करेगा एंड यस अलोंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एज अ होल अलोंग विद दिस सेलियन फीचर्स यहाँ पर यह सब चीज़ कंपनी अपने मेम्बर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में पेश करेगा लॉ मेकर बोलता है कि जो जो कानून हमने यहां पर अप्लाई किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सारा का सारा कानून अप्लाई हो जाएगा इवन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉ मेकर बोलता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमें स्केड्यूल नंबर थ्री के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा बट रुको कुछ कुछ कंपनीज को सी एफ एस बनाने में से एग्जैम्शन दिया जाएगा प्रोवाइडेड ये तीनों का तीन कंडीशन अगर फुलफिल किया होएगा तो अगर ये तीनों का तीन कंडीशन फुलफिल हुआ रहेगा तो ही यहाँ पर हम आपकी कंपनी को सी एफ एस बनाने में से एग्जामेशन दे सकते हैं What डू मीन बाय by CFS? That's so pretty obvious. वी आर टॉकिंग अबाउट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आइए समझते हैं कि बॉस अगर हमें सी एफ एस बनाने में से एग्जामिशन चाहिए तो हमें कौन से तीन कंडीशन का पालन करना पड़ेगा अगर ये तीनों का तीन कंडीशन का पालन हुआ तो ही तो ही हमें यहां पर सी एफ एस बनाने का फिर अलग से जरूरत पड़ेगा नहीं अगर मैं आपको बोलूं कि कंपनी ए इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ कंपनी बी तो कहना इसे कंपनी ए इज द होल्डिंग कंपनी एंड कंपनी बी इज द सब्सिडरी कंपनी यस अब मैं बोलू के कंपनी बी इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ कंपनी सी तो यहां पर सी बन जाएगा सब्सिडरी कंपनी एंड बी कहलाएगा उसका होल्डिंग कंपनी तो रूल के मुताबिक रूल के मुताबिक कंपनी बी आप एक होल्डिंग कंपनी हो तो आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो प्रिपेयर करोगे ही करोगे बट उसके साथ-साथ आपको अलग से एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा बट कंपनी बी को हम एग्जemption दे सकता है अगर ये तीनों का तीन कंडीशन फुलफिल हुआ रहेगा तो देखो कंपनी बी के अंदर द मेजर इन्वेस्टर इज कंपनी होल्डिंग कंपनी तो बॉस कंपनी ए के अलावा बाकी जो मेंबर्स बचे हैं कंपनी ए के अलावा बाकी जो मेंबर्स बचे हैं अगर उन अधर ने राइटिंग में इंटीमेशन दिया कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर हमारा कंपनी सीएफएस नहीं बनाएगा तो, तो फिर सीएफएस मत बनाओ चलेगा सेकेंड कंडीशन लॉ मेकर बोलता है कि बॉस कंपनी बी लिस्टेड नहीं होना चाहिए या इट शुड नॉट इवन बी इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड कंपनी बी आप एक अनलिस्टेड कंपनी होने चाहिए इनफैक्ट यू शुड नॉट बी इवन इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड एंड कंडीशन नंबर थ्री बोलता है कि बॉस यहां पर कंपनी बी का जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है अगर वो लोग ने CFS बनाया है तो फिर कंपनी बी को अलग से CFS बनाने का ज़रूरत पड़ता नहीं है लॉ मेकर बोलता है कि अगर बाई चांस हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लाइंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो फिर हमें ये चीज को डिसक्लोज करना पड़ेगा इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें स्टेटमेंट डालना पड़ेगा कि बॉस वॉट आर द कारण जिसके कारण देर वॉज सच काइंड ऑफ डिविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये डिविएशंस को हमने क्यों रखा है एंड यहाँ पर डिविएशन के कारण हमारे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा ये सब चीज़ का डिस्क्लोजर हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालना पड़ेगा अगर बाय चांस सेक्शन नंबर 129 का प्रोविजन फॉलो नहीं हुआ एंड अगर कंपनी ने एक मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया है या तो होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस को अपॉइंट किया या तो सीएफओ अपॉइंट किया है या तो दूसरे कोई व्यक्ति को ऐसा कोई प्रकार का चार्ज दिया था टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेक्शन वन तो फिर अगर ऐसे कोई ऑफिसर मौजूद है एंड उन्होंने अगर बाई चांस यहाँ पर उन्होंने अगर by chance पर provisions को नहीं किया, तो उनके ऊपर एक पेनल्टी आ जाएगा दैट इज पेनल्टी ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड विच कैन बी एक्सटेंडेड टू अपू रुपीज फाइव लैक्स उनको हम जेल में भी डाल सकते हैं अप टू वन ईयर या तो दोनों का दोनों चीज भी हो सकता है बट अगर बाई चांस ये ऑफिसर मौजूद ही नहीं है हमने ऐसा कोई प्रकार का ऑफिसर अपॉइंट किया ही नहीं है तो फिर इन दैट केस अगर बाई चांस सेक्शन नंबर का उल्लंघन हुआ तो फिर पेनल्टी सारे के सारे डायरेक्टर्स को चुकाना पड़ेगा तो फिर ये पेनल्टी सारे के सारे डायरेक्टर्स के ऊपर लागू हो जाएगा सो यस माय डियर फ्रेंड्स हमने अभी तक सेक्शन नंबर 128 एंड सेक्शन नंबर 129 को रिवाइज कर दिया है सो यस माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फॉर द रिविजनरी पार्ट

और ऑर्डर ऑफ़ ट्रिब्यूनल अब देख बॉस, कोर्ट या ट्रिब्यूनल को कोई सपना तो नहीं आएगा कि चल फलाना फलाना का बुक्स ऑफ़ अकाउंट्स को रीओपन करने का ऑर्डर दे देता हो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हमारे कंपनी के खिलाफ कोई कंप्लेंट किया है तब जाके कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने हमारे कंपनी के ऊपर ऑर्डर डाला फॉर रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स तो ये कंप्लेंट करने वाले है कौन ये माँ कौन है भैया जो कंप्लेंट करने बैठे है तो या तो एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया रहेगा या तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने या तो सेबी ने या तो दूसरा कोई भी स्टेट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी या तो एनी अदर पर्सन ये पांच में से कोई ना कोई व्यक्ति सिद्धा का सिद्धा कोर्ट या ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देगा ये बोलते हुए कि बॉस कंपनी ने जो अर्लियर अकाउंट्स बनाया था वो फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाया था यहां पर कंपनी ने जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किया था इट वॉज बिन मिसमैनेज इट वॉज बिन मिसमैनेज अब यहाँ पर जैसे ही ऐसा कोई एप्लीकेशन कोर्ट प्राप्त करेगा तो कोर्ट उसी एप्लीकेंट को वापस से नोटिस देगा कि भैया तुम्हारे पास अगर और भी कोई जानकारी उस कंपनी के बारे में रहेगा तो हमें और जानकारी उस कंपनी के बारे में प्राप्त करवाओ

कौन से भी साल का बुक्स ऑफ अकाउंट रीओपन किया जा सकता है क्या तो लॉ मेकर बोलता है कि नो रीओपनिंग इज अलाउड ऑफ ओनली एंड ओनली ऑफ लास्ट एट इयर्स में से कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट बट मोर देन एट इयर्स हो जाता है तो फिर उस चीज को हम लोग रीओपन करवा सकते नहीं है हाँ बट अगर बाई चांस मैंने आपको बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके कंपनी को ऑर्डर दिया था टू प्रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन इयर्स तो फिर शायद से उस सिनेरियो में आपके उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी रिओपन किया जा सकता है इज फॉर अ पीरियड ग्रेटर देन जनरली नहीं होता है बट अगर हुआ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था टू प्रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर अ पीरियड ग्रेटर देन तो फिर हमें वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी रिओपन करवाना पड़ सकता है अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया तो तो दैट वाज अ वेरी स्मॉल प्रोविजन कॉल्ड ए सेक्शन नंबर 130 नाउ वी हैव गॉट द नेक्स्ट प्रोविजन टू रिवाइज दैट इज सेक्शन नंबर 131 दैट इज सेक्शन नंबर 131 सेक्शन नंबर 131 बोलता है अबाउट वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट्स सेक्शन नंबर 131 बोलता है वॉलियंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट्स देखो बॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है एस पर सेक्शन नंबर 129 के हिसाब से बोर्ड रिपोर्ट बनता है एस पर सेक्शन नंबर 134 के हिसाब से अगर बाय चांस हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स को लगा कि हमारा कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो सेक्शन नंबर 129 को कंप्लाई नहीं कर रहा है या तो हमने जो बोर्ड रिपोर्ट बनाया है वो सेक्शन नंबर 134 को कंप्लाई नहीं कर रहा है तो फिर इन दैट केस हम सिद्धा का सिद्धा ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देंगे हम सिद्धा का सिद्धा ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देंगे कि हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करने दे या हमें हमारे बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज करने दे। देखो बॉस रिविजन आर अलाउड बट ऑफ एनी ऑफ द लास्ट थ्री ईयर्स पिछले तीन साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या पिछले तीन साल के बोर्ड रिपोर्ट को ही आप लोग रिवाइज कर सकते हो उससे पुराना कोई चीज रिवाइज किया जा सकता नहीं है

ट्रिब्यूनल यहां पर हमें ऑर्डर दे सकता है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट दैट इज कॉल्ड एस ऑर्डर दे सकता है कि जा कंपनी जा तुम अपनी इच्छा से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट रिवाइज कर दो बट हम रिवाइज क्यों कर रहा है इसका रीजन हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा रिविजन्स अगर करना है तो ही करने का ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बदल दिया वी शुड ओनली एंड ओनली रिवाइज दैट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच वॉज नॉट कम्पलाइन विद सेक्शन वन ट्वेंटी दैट पार्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट विच वॉज नॉट विद सेक्शन नंबर वन थर्टी फोर एंड प्रोवाइडेड द रिजन आर कॉन्सिक्वेंशनल मतलब इट इज इंपॉर्टेंट टू डू इट इट इज अन्ट्रल गवर्नमेंट हु फ्रेम द रूल्स के बॉस कमनी अपने पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नए वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कैसे सप्लीमेंट करेगा ऑडिटर का क्या जिम्मेदारी बनेगा डायरेक्टर्स लोग का क्या जिम्मेदारी बनेगा ये सब चीज के लिए रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा यहाँ पर लॉ मेकर बोलता है कि जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज़ किया जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज़ किया तो वो रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ़ ट्रिब्यूनल हमें आर ओ सी के पास जमा करना पड़ेगा हमें आर ओ सी के पास जमा करना पड़ेगा तो यस माय डियर फ्रेंड्स हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर टोटल चार प्रोविजंस को रिवाइज कर दिया दैट इज सेक्शन नंबर 128 129 130 एंड सेक्शन नंबर 131 सो यस माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोविजन दैट इज सेक्शन नंबर 132 सेक्शन नंबर 132 इज अबाउट एनएफआरए दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी इट इज अंट्रल गवर्नमेंट जिन्होंने थ्रू अ नोटिफिकेशन एन एफ आर ए को फॉर्म किया है फर्स्ट ऑफ ऑल एन एफ आर ए इज अ बॉडी इट्स अ बॉडी यहां पर एन एफ आर ओ का मेन काम होगा फॉर द मैटर्स रिलेटेड टूवर्ड्स अकाउंट एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स द मैटर्स रिलेटेड टूवर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वट आर द ड्यूटीज ऑफ एन एफ आर ए वट आर द ड्यूटीज ऑफ एन एफ आर आ सबसे पहला ड्यूटी आता है टू मेक रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहला ड्यूटी आता है टू मेक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फॉर्म्यूलेशन एंड लेइंग डाउन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज यहाँ पर एन वालों का दूसरा काम आता है कि जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया गया है उनको मॉनिटर करना है एंड उन्हें एनफोर्स भी करवाना है यहाँ पर उनके पास और एक काम है दैट इज टू ओवर सी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोफेशन आर एसोसिएटेड विद सच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल एज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अगर जरूरत पड़ा तो बॉस यहाँ पर एनएफआर फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी एन एफ आर ए के पास और भी दूसरा कोई फंक्शन आ सकता है विच विल बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग अवर रेगुलर लेक्चर्स हमने एन एफ आर ए के ऊपर आराम से फोर्टी फाइव मिनट से ज्यादा का डिस्कशन किया है बट बिंग रिविजनरी लेक्चर हमें ये सब चीज को रिकलेक्ट करना है हमें ये सब चीज को रिकलेक्ट करना है यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि एन एफ आर ए के अंदर देर विल बी अ चेयरपर्सन एंड द चेयरपर्सन ऑफ द ए विल बी अपॉइंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट रस्ते का कोई भी एहरा गहरा नत्तु गहरा बंदा एनएफआरए का चेयर पर्सन नहीं बन सकता है द चेयर पर्सन विल बी अ पर्सन हैविंग एन एमिनेंस एंड हैविंग एन एक्सपर्टीज नॉलेज इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट और फाइनेंस और लॉ लॉ मेकर बोलता है कि अलोंग विद द चेयरमैन देर विल बी सर्टन मेंबर्स इनसाइड द एनएफआरए विच शुड नॉट बी एक्सेडिंग फिफ्टीन लॉ मेकर बोलता है यहाँ पर के बॉस एन एफ आर ए का चेयरमैन एंड एन एफ आर ए के जो भी मेम्बर्स है उनको जब भी अपॉइंट किया जाएगा तो उनके अपॉइंटमेंट में कोई भी प्रकार का लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी होता नहीं है लॉ मेकर बोलता है कि जब तक आप एन एफ आर ए के चेयरमैन हो या एन एफ आर ए के मेंबर हो तब तक आप दूसरे कोई भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते हो इनफेक्ट जिस दिन आपका एन के साथ टर्म खत्म होता है उधर से अगले दो साल तक भी आप कोई भी ऑडिट फर्म के साथ कोई भी प्रकार का एसोसिएशन रख सकते नहीं हो नेक्स्ट आता है अबाउट द पावर्स ऑफ एन एफ के पास क्या क्या पावर है देखो एनएफआरए के पास सबसे पहला पावर है दैट दे विल इन्वेस्टिगेट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और अ अकाउंटिंग फर्म हु आर बीन रजिस्टर्ड विद आईसीएआई दैट इज द मेंबर्स ऑफ आईसीएआई को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है उन्होंने क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है उस मैटर को भी यहां पर इन्वेस्टिगेट किया जाता है यह इन्वेस्टिगेट करने का पावर एनएफआरए के पास आएगा को आप जरा इन्वेस्टिगेट करो तो एन एफ आर ए फिगेट करेगा या तो अगर एनएफआर को स्वयं लगा कि बॉस इस ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो एन एफ आर ए विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग इन इन पर्सन यहां पर ये यह लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे मेनली टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज बिन कमिटेड बाय द द आईसीआई और फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विच इज बिन रजिस्टर्ड अंडर आईसीएआई लॉ मेकर बोलता है कि एनएफआरए के पास सेम टू सेम पावर होता है जस्ट लाइक सिविल कोर्ट जस्ट लाइक सिविल कोर्ट कर बोलता है पावर टू हैव डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट कोई भी जगह पर रहेगा कोई भी टाइम पे वो लोग ये बुक्स ऑफ अकाउंट या कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं दे ऑल्सोव पावर ऑफ सम मॉनिंग एंड एनफोर्सिंग मतलब तुम्हें सीधा का सीधा यहाँ पर एग्जामिन करने के लिए आपको बुलाया जा सकता है कि बॉस आपने कोई भी प्रकार का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है ऐसा हमारा डाउट है लेट अस इन्वेस्टिगेट यू यहाँ पर एन एफ आर एल्सो बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू एनी पर्सन और वेदर इट इज बीन केनी प्लेस एंड देव ऑल्सो गोट अ पावर ऑफ इशुंग बोलेगा तो देव गॉडर

बट अगर बाय चांस गिल्टी पाने वाला व्यक्ति कोई इंडिविजुअल नहीं है बट इट इज अ फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा मिनिमम पांच लाख या तो मैक्सिमम टेन टाइम्स द फीस रिसीव्ड इन फैक्ट यहाँ पर आप मेंबर हो ना आई के तो हम यहाँ पे आपको डिबार्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम कंडक्टिंग एनी ऑफ ऑडिटिंग फंक्शंस एंड आपको दिबार्ट किया जा सकता है फॉर मिनिमम सिक्स मंथ्स मैक्सिमम टेन इयर्स मिनिमम सिक्स मंथ्स मैक्सिमम टेन इयर्स अगर एन एफ आर ए ने आपके ऊपर कोई भी प्रकार का पेनल्टी इम्पोज किया या आपके ऊपर कोई भी प्रकार का दूसरा कोई प्रोविजन इम्पोज किया एंड यू आर नॉट हैप्पी विद द ऑर्डर्स ऑफ़ द ऑर्डर इट मींस यू आर एक्टिंग एज एन अग्रीड पार्टी तो आप सीधा का सीधा आप सीधा का सीधा यहाँ पर अपील फाइल करने जा सकते हो टूवर्ड्स तो एन सी एल ए टी दैट इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल पर कौन से कंपनी के ऑडिटर्स को इन्वेस्टिगेट करता है तो लॉ मेकर बोलता इंडिया, तो को किया जा सकता है या तो आप एक पब्लिक कंपनी हो जिसका अप कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज्यादा है या तो एनुअल टर्नओवर ओवर हजार करोड़ या उससे ज्यादा है या तो टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स या डिबेंचर्स या डिपोजिट तीनों चीज मिलकर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो फिर आपके ऑडिटर्स को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है यदि आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो बैंकिंग कंपनी हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी हो या तो act, तो अ इज बीन गवर्न बाय स्पेशल एक्ट आपके ऑडिटर्स को भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है दूसरा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या दूसरा कोई भी बंदा या दूसरा कोई भी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा फॉर पब्लिक इंटरेस्ट तो उनके ऑडिटर्स को भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा ये जो भी चार पॉइंट्स हमने अभी अभी बोला वो चार पॉइंट्स में यहाँ पर अगर बाय चांस कोई भी प्रकार का फॉरेन सब्सिडरी कंपनी होएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस इज लिस्टेड कंपनी एंड यहाँ पर रिलायंस के ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है बट रिलायंस के पास एक सब्सिडरी कंपनी है विच इज बिन अ प्लेस कॉल्ड एज बांग्लादेश मतलब रिलायंस के पास एक फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है अब रिलायंस का जो फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है उसका नेटवर्थ तो अगर मैं आपको बोलू तो इट इज फॉर एग्जाम्पल थ्री हंड्रेड एंड रिलायंस का अगर मैं आपको कंसोलिडेटेड नेटवर्थ बोलू तो फॉर एग्जाम्पल इट इज वन थाउजेंड तो लॉ मेकर क्या बोलता है कि अगर आपका फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है एंड अगर उसका नेटवर्थ या उसका नेट इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल ऑफ़ द नेट इनकम और द कंसोलिडेटेड नेटवर्थ ऑफ द होल्डिंग कंपनी तो फिर आपके उस फॉरेन सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर को भी हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है जो बोलता है कि एनएफआरए विल रिकमेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमने अभी अभी थोड़े टाइम पहले सेक्शन नंबर 132 के स्टार्टिंग में कर दिया था एन को भी अलग से अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा एन अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए सी एंड ए जी को कंसल्ट कर सकते हैं इनफैक्ट उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट भी अपना सी एंड ए जी करेगा एंड वंस दज बिन कम्पलीटेड तो येस ऑडिट रिपोर्ट विल बी फॉरवर्डेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एन एफ आर ए अलग से अलग से एनुअल रिपोर्ट बनाएगा एंड ये एनुअल रिपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश करेगा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो रिपोर्ट आएगा वन इज़ ऑडिट रिपोर्ट अनदर इज़ एनुअल रिपोर्ट ये दोनों का दोनों रिपोर्ट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सबमिट करेगा बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा दैट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट तो यस माय डियर फ्रेंड्स हमने यहां पर सेक्शन नंबर 132 के प्रोविजन को भी यहाँ पर रिवाइज कर दिया आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोविजन दैट इज सेक्शन नंबर 134 यहाँ पर हमें टोटल तीन चीजों का समझना है दैट इज नंबर वन ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नंबर टू बोर्ड रिपोर्ट एंड नंबर थ्री डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट ये तीन अलग अलग प्रोविजन है जिसको हमें यहां पर समझना है ओवर ईयर ओवर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट करना मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करना बोर्ड रिपोर्ट वाले कंटेंट को हमने हमारे रेगुलर लेक्चर्स में इन इनडेप में पढ़ा है इट इज नथिंग बट वेरियस इंफॉर्मेशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन इनसाइड द बोर्ड रिपोर्ट लिस्ट इज अज लिस्ट जो हम लोग ने पूरा का पूरा समझा था और मैंने आपको बोला भी था कि इस लिस्ट में से अगर आपने पांच छह को भी सिर्फ लर्न कर दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देन इट इज कम्प्लीटली फाइन डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इज वन ऑफ द कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट इट सेल्फ हवेवर हम यहां पर पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर थ्री को अच्छे से रिवाइज करने वाले है जब मैं बोलूँ ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ध्यान रखना इसके ऊपर आपको कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है या तो आपको कोई प्रकार का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द चेयरमैन इफ इज ऑथोराइज बाय द बोर्ड अच्छा चेयरमैन इज नॉट ऑथोराइज देन इट कैन बी साइंड बाय एटलीस्ट टू डिरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जिसमें से एक मैनेजिंग डिरेक्टर होना चाहिए लॉ मेकर बोलता है कि बॉस अगर कंपनी ने मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया रहेगा तो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं किया तो फिर कोई भी डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कर सकता है इट कैन ऑल्सो बी साइन बाई द सी एफ ओ एंड कंपनी सेक्रेटरी ये तीनों के तीन लोग साइन तब करेंगे जब वो लोग अपॉइंटेड होंगे बट अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपॉइंट किया ही नहीं गया था तो फिर उनके सिग्नेचर्स को किया भी जा सकता नहीं है येस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ हमें ऑडिटर्स के रिपोर्ट को भी अटैच करना पड़ता है एंड हमें ये सब चीज़ सर्कुलेट करना पड़ता है टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी जो हम लोग अभी अभी सेक्शन नंबर 136 के अंदर कवर करने वाले हैं। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है एंड ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग ने ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर्स में अंडरस्टेंड कर दिया था बात करते हैं डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट मतलब यहां पर डायरेक्टर लोग कोई कोई प्रकार का जिम्मेदारी वाला बात करते हैं इन स्टेटमेंट यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि बॉस कंपनी का डायरेक्टर एक स्टेटमेंट देगा कि हमने जो भी एनुअल अकाउंट्स बनाया था उसमें हमने जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया था वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल था हमने वही अप्लाई किए हैं एंड यहाँ पर अगर हमने बाई चांस कोई भी प्रकार का डिपार्चर्स बोलेगा तो डिविएशन किया था तो वो डिविएशन करने का जरूरत भी क्यों पड़ा था हमने यहाँ पर कौन से कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट किया था और हमने जिन जिन अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट किया है हमने उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे अप्लाई भी किया है हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर कोई प्रकार का हमने यहां पर कोई प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था जिसके लिए हमने कोई जजमेंट्स या एस्टिट रखे थे जो रीजनेबल एंड प्रूडेंट इनफ थे सो दैट वी कैन गिव ट्रू एंड फेयर व्यू टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक स्टेटमेंट देंगे कि बॉस हमने यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया है पे बनाया था. तो उन्होंने जो भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल डिजाइन किया रहेगा वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सेल्फ सफिशियंट है एंड इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली इसका भी जिक्र किया जाएगा हमारे कम्पनी के ऊपर बहुत सारा कानून एप्लीकेबल होता है तो हम सारे के सारे कानून को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये जानने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया था एंड वो सिस्टम एकदम मतलब एकदम इफ़ेक्टिवली ऑपरेट भी हो रहा है अगर सेक्शन नंबर 134 का कोई भी प्रकार का उल्लंघन हुआ तो यहाँ पर पेनल्टीज को चेंज कर दिया गया है द रिवाइज पेनल्टीज इज कंपनी के ऊपर तीन लाख रुपया एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर इट इज पचास हजार रुपया इम्प्रिजनमेंट वाला पार्ट हटा दिया गया है इम्प्रिजनमेंट वाला पार्ट इधर से हटा दिया गया है नेक्स्ट प्रोविजन आता है सेक्शन नंबर 135 नेक्स्ट प्रोविजन आता है सेक्शन नंबर 135 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एंड इसके अंदर बहुत सारा अमेंडमेंट्स है इसके अंदर बहुत सारा अमेंडमेंट्स है जिसके लिए सेक्शन नंबर 135 के लिए हम एक सेपरेट वीडियो रखने वाले हैं एंड वो वीडियो भी हम लोग अपलोड करने वाले हैं तो सेक्शन नंबर वन का पूरा का पूरा गाइडलाइंस आपको एक सेपरेट वीडियो से मिल जाएगा दैट इज अबाउट कारपोरेट सोशल िटी नेक्स्ट आता है के लिए सेक्शन टू गेट दॉपीज ऑफ ऑडिटेडियल स्टेटमेंट अगर मैं बोलू में अधिकार है तो इसका मतलब होता है कंपनी का जिम्मेदारी है कि वह अपने मेंबर्स को कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर भेजे येस माई डियर फ्रेंड्स द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ़ एनी अलॉन्ग विद ऑडिट रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ये सारा का सारा चीज हमें भेजना पड़ेगा टू एवरी मेम्बर ऑफ द कंपनी इवन टू द डिबेंचर ट्रस्टी दैट इज अ प पर्सन हु आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड इवन टू एनी अदर पर्सन एज प्रिस्क्राइब बाई लॉ मेकर ये सब चीज कंपनी भिजवा देगा एटलीस्ट टी वन डेज बिफोर द जनरल मीटिंग ओवर ईयर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट कैसे किया जाएगा तो लॉ मेकर बोलता है, कि यदि आपका कमनी कमनी है या तो आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जिसका नेटवर्थ एक करोड़ से ज्यादा है एंड टर्न ओवर दस करोड़ से ज्यादा है तो ये लोग ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करवा सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड बट अगर बाय चांस मैंने आपको बोला कि बॉस इट सम कंपनी इन इन द बीन फिजिकल फॉर्म तो उन सब मेंबर्स को कंपनी ये डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच कर सकता है दैट इज द फिजिकल कॉपीज एस पर सेक्शन नंबर ट्वेंटी फिजिकल कॉपीज डिस्पैच की जाती है एस पर सेक्शन नंबर 20 यहाँ पर सेक्शन नंबर 136 के प्रोविजंस का अगर उल्लंघन किया तो पेनल्टी बोलता है कंपनी के ऊपर पच्चीस हजार ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पांच हजार यहाँ पर पेनल्टी में कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है जैसा है वैसे का वैसा ही रखा गया है लास्ट प्रोविजन फॉर द रिविजन ओवर इज सेक्शन नंबर वन थर्टी सेवन इज द कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिक्वायर टू बी फाइल विद आर देखो बॉस तुम एजीएम बुलाओ या तुम एजीएम मत बुलाओ अंडर एनी सरकमस्टेंसेस हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉपी आर के पास फाइल करना पड़ता है हमने एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया मेंबर्स आए मेंबर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्वीकारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ मीटिंग समाप्त हुआ तो लॉ मेकर बोलता है कि 30 दिनों के अंदर अंदर अब हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर के पास फाइल करेंगे बट यदि बाय चांस हमने मीटिंग बुलाया मेंबर्स नहीं आए कोरम नहीं था तो हमने मीटिंग को अजर्न किया अजर्न मीटिंग में भी मेंबर्स आए बट मेंबर्स ने बाय चांस यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट नहीं किया तो इट इज समथिंग कॉल्ड एज इट इज समथिंग कॉल्ड एज अन अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमें अन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा एज अ प्रोविजनल रिकॉर्ड बट फिर जब हम मीटिंग को adjourned करके वापस से मेंबर्स को बुलाएंगे जब मेंबर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट करेंगे तो उधर से 30 दिनों के अंदर अंदर हमें फाइनल कॉपी आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा लॉ बोलता है कि अगर कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग ही नहीं बुलाया फिर भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉपी आरओसी के पास जमा करेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डे बिफोर व्हिच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड एजीएम बुलाने का आखिरी तारीख जनरली थर्टी सितंबर होता है उधर से तीस दिनों के अंदर अंदर आप आर के पास जाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करोगे अलोंग विद द रीजंस के हमने एजीएम क्यों नहीं बुलाया था अलोंग विद द रीजंस कि हमने एजीएम क्यों नहीं बुलाया था यहां पर हम सेक्शन नंबर नंबर 137 की की पेनल्टी बात कर लेते हैं और अपना पूरा का पूरा का चैप्टर चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। के अंदर ये सेक्शन नंबर 137 का ऊपर yes, पेनल्टी आएगा मिनिमम दस हजार रुपया एंड जितना दिन डिफॉल्ट कंटिन्यू होएगा पर डे सौ रुपया मैक्सिमम पेनल्टी कैन गो इज अपू लैक्स If the company has appointed a managing director and the CFO, if not, then any other director who has been given such charge. If not, then all directors of the company will be punished, and the penalty over here is 10,000 rupees. However, if the default continues, it will be 100 rupees per day, subject to a maximum penalty of rupees 50,000. सो यस माय डियर फ्रेंड्स अपना पूरा का पूरा चैप्टर नंबर नाइन हमने रिवाइज करवाया है यहाँ पर एंड ये yes, अब सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर वन थर्टी फाइव का एक पार्ट बाकी है उसमें बहुत सारा अमेंडमेंट है फॉर दैट रीजन वी आर कीपिंग दैट एंटायर प्रोविजन इन अ सेपरेट वीडियो इन अ सेपरेट वीडियो आई होप सो आप लोगों ने चैप्टर नंबर नाइन के रिविजन को एंजॉय किया रहेगा पढ़ते रहना घर पे रहना सुरक्षित रहना थैंक यू सो मच